के चलते करनाल में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो रात 10 बजे से शुरू होगा और सुबह 5 बजे समाप्त होगा। इसी का जायजा लेने के लिए करनाल डीसी निशांत कुमार यादव और एसपी गंगाराम पुनिया ने शहर के विभिन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं डीसी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अब कर्फ्यू 9 बजे की बजाय 10 बजे शुरू होगा और सुबह 5 बजे तक चलेगा। इसी के चलते कर्फ्यू की चेकिंग के लिए एसपी गंगाराम पुनिया के साथ शहर के तमाम व्यस्त बाजारों, मैरिज पैलेस तथा वेंकट हॉल का निरीक्षण किया। वहीं एसपी ने पुलिस कर्मियों को यह निर्देश दिए कि इस दौरान कोई भी कमी पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं एसपी गंगाराम पुनिया ने यह भी कहा कि आज चुनिंदा स्थानों का दौरा किया गया, जिसमें मैरिज पैलेस मुख्य रूप से है। लोगों की जान बचाने के लिए सरकार सख्त सख्त कदम उठा रही है। वहीं डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि पुलिस अधिकारियों व ड्यूटी मजिस्ट्रेट को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोरोना का प्रकोप जिला में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और लोगों की जान थोड़ी सी लापरवाही के कारण खतरे में है। ऐसे में प्रशासन द्वारा लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सख्ती करने का निर्णय दिया गया है। इसके लिए जिले के सभी गांवों, शहरों व कस्बों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। कोई भी बिना मास्क के बाहर निकला तो उसका चालान किया जाएगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी का भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। पुलिस को सख्त आदेश दिए गए हैं कि नियमों का पालन हो, अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए, लेकिन किसी के साथ अनावश्यक व्यवहार ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। निर्धारित किया है, इस दौरान यदि कोई जानबूझ करके सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना करता है तो उस पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। साथ ही धारा 188 IPC के तहत भी FIR दर्ज की जा सकती है। तो मेरा सभी करनाल वासियों से अनुरोध है कि जितनी भी हिदायतें हैं इनका अच्छे ढंग से पालन करें, एक अनुशासित नागरिक होने का परिचय दें। करनाल में होगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, आज हम कुछ विशेष चुनिंदा स्थल जो हैं या मैरिज प्लेसेज जो हैं वहाँ का जायजा ले रहे हैं, कल किसी और स्थान का जायजा लेंगे। हम लगातार अलग अलग जोन का जायजा लेंगे ताकि वहाँ पर जितनी भी हिदायतें हैं उनका अच्छे ढंग से सख्ती से पालन। रात की परमिशन सारी कैंसिल कर दी गई है? हाँ जी, जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा जितने भी पहले जो परमिशन दी गई थी 10 बजे के बाद में, वो कैंसिल कर दी गई है। और इसके बावजूद भी यदि कोई बगैर अनुमति के भीड़ इकट्ठी करता है और इस प्रकार कोई कार्यक्रम आयोजित करता है तो मेरा लोगों से अनुरोध है कि ऐसा ना करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की। तो इसलिए 10 बजे से 5 बजे तक यूनिफॉर्मिटी ताकि पूरी कंट्री में रहे सरकार ने कर दिया है। आज से 10 बजे से अपने यहाँ नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा 9 बजे की बजाय, और उसकी एनफोर्समेंट देखने के लिए आज हम लोग मार्केट्स में कुछ विजिट कर रहे हैं। SP साहब भी मेरे साथ हैं। कुछ जो बिजी मार्केट्स हैं शहर के वो हम देखेंगे, कुछ ढाबे रेस्टोरेंट्स देखेंगे, मैरिज हॉल्स, गार्डन्स हैं, बैंकेट हॉल्स हैं, वहाँ देखेंगे, और कोई वायलेशन होगी तो उन पर कार्रवाई करेंगे। इसी प्रकार से इसी तरह फ्लैग मार्च जिले के बाकी कस्बों में, गाँव में भी जो हमारी टीमें हैं जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं, SHOs हैं, DSP SDMs हैं, वो लोग ले रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू रखेंगे ताकि इसकी जो सख्त जो एनफोर्समेंट है नाइट कर्फ्यू की वो रहे। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।